हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रेन के एंटी टू ब्लॉक डिवाइस के बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंटी टू ब्लॉक डिवाइस, ये जो डिवाइस है ये क्रेन को प्रिवेंट करता है, यानी कि वायर रोप को जब भी हॉइस्ट करते हैं तो उसको बूम का जो टिप शेव्स होता है उसके ऊपर उसको जाने नहीं देता है। अगर ये डिवाइस ना होता तो ऑपरेटर जो है जो लोड ब्लॉक को हॉइस्ट करता है तो वो शेव्स तक उसको हॉइस्ट कर सकता था, जिसके कारण ड्रास्टिक इश्यूज जो है वो हो सकते थे, जैसे कि जो लोड है उसका ड्रॉप हो जाना, नीचे गिर जाना या फिर बूम को डैमेज करना, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो बूम के टॉप पर जो है वो बूम का टिप शेव्स होता है। और ये जो एंटी टू ब्लॉक डिवाइस है इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जब भी वायर रोप को हॉइस्ट करें तो उस वायर रोप को जो टिप शेव्स है बूम का उसके ऊपर उसको जाने नहीं देता है। और अगर ये डिवाइस अगर नहीं रहेगा तो ऑपरेटर को ये पता ही नहीं चलेगा कि वो लोड ब्लॉक को जब वो हॉइस्ट कर रहा है तो वो जो टिप शेव्स है उसके ऊपर भी टच हो सकता है, जिसकी वजह से जो लोड है वो भी ड्रॉप हो सकता है या फिर बूम को भी डैमेज कर सकता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा क्रेन के एंटी टू ब्लॉक डिवाइस के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।